आज रतिया विधानसभा की इस चुनावी रैली में मंच पर विराजमान अपने इस क्षेत्र की लोकसभा में आप लोगों के आशीर्वाद से चुने गई सांसद हमारी बहन सुनीता दुग्गल जी, भारतीय जनता पार्टी के इस बार इस विधानसभा क्षेत्र से उतारे गए प्रत्याशी बहुत ही समझदारी से काम करने वाले हमारे एडवोकेट श्री लक्ष्मण नापा जी, पार्टी के हमारे जिलाध्यक्ष भाई वेद फुला जी, पूर्व विधायक प्रोफेसर रविंद्र बलियाला जी, जिला महामंत्री श्री बलदेव ग्रोहा जी, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हमारे और इस मंच के संचालक भाई रमेश मेहता जी, पूर्व में मंत्री रहे हमारे पुराने साथी, ठीक है कुछ समय के लिए थोड़ा दाएं बाएं हो गए थे, लेकिन कहते हैं कि सुबह का भटका शाम को घर आ जाए तो उसको भुलाव नहीं कहना चाहिए। ऐसे हमारे श्री रामस्वरूप रामा जी, उपाध्यक्ष श्री रमेश सिंगला जी, प्रभारी श्री गुलशन हंस जी, ओड सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शंकरलाल गड़ाई जी, मेरे एक बहुत ही पुराने साथी हैं, हमारे मित्र हैं, इस पार्टी के वो नेता हैं श्री कालूराम ओड जी, पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता श्री दर्शनलाल हंसू जी, ऐसी मोर्चा के जिलाध्यक्ष डॉक्टर मुख्तियार बाजीगर जी, पार्टी के सभी हमारे नेतागण, अन्य नेतागण श्री श्याम कंबोज जी, श्री विनोद जग्गा जी, श्री महावीर प्रसाद जी, जितेंद्र सिंह जी, सुनील इंदौरा जी, बहुत नाम लिखे हैं, जिनके नाम बोले वो जी, जिनके नहीं बोले वो भी सब जी, कोई नाराज ना हो जाए ना आजकल मंच पर बैठे हुए लोगों में से। चुनाव के दिन है ना, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, पत्रकार छायाकार मित्रों, जैसा हम जानते हैं कि हरियाणा विधानसभा का चुनाव का डंका बजा है, हर पांच साल में जैसे चुनाव होते हैं, इस बार भी आने वाले 21 तारीख को पोलिंग का दिन है, और इस तैयारी के नाते जैसे हम लोग सभा कर रहे हैं, इसी प्रकार से बाकी सब पार्टियों के लोग भी अपनी अपनी सभाएं करेंगे। अब सबको प्रजातंत्र में अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन जिन्होंने विचार करना है उनके सामने, उनके लिए एक विषय मैं रखता हूं कि 2014 में हरियाणा की जनता ने आशीर्वाद देकर के पहली बार भारतीय जनता पार्टी को बहुमत की सरकार बनवाई थी, और हम लोग लगातार पांच साल अपनी हरियाणा की जनता, हरियाणा की जनता नहीं बल्कि मैं कहूंगा ये 2.5 करोड़ लोगों का मेरा परिवार, इस परिवार की हम सेवा कर रहे हैं। हमने पांच साल लगातार शासन किया, पीछे मुड़ के नहीं देखा, एक के बाद एक जो हमको ध्यान में आया वो सब हम अच्छे काम, जो सेवा के काम, जो विकास के काम, सब हम करते चले गए हैं। और यदि हरियाणा की भूतकाल की बातें देखें तो 1966 में हरियाणा बना, 2014 तक 48 साल में बहुत सरकारों ने काम किया, कांग्रेस की सरकारों ने, इनेलो की सरकारों ने, और भी अन्य पार्टियां, चाहे पूर्ण बहुमत से किया, चाहे गठबंधन से किया, या समर्थन से किया, लेकिन उन 48 साल की चलने वाली सरकारें और भारतीय जनता पार्टी की 5 साल की पहली सरकार, हम सबको इसका एक तुलनात्मक अध्ययन करना होगा, तुलना करनी होगी, मुकाबला करना होगा कि क्या पहले जो सरकारें चलती थी उसमें हमने कोई परिवर्तन किया कि नहीं किया।
भाइयों बहनों, हमने राजनीति के मायने बदले हैं, नेताओं की छवि को बढ़ाया है। मुझे वो दिन याद है, एक बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री अभी नहीं बने थे, उनसे एक पत्रकार ने पूछा कि मोदी जी आपके सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या है। कई वर्ष तक वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं गुजरात के, केंद्र में भी उनको जिम्मेवारी मिलने वाली है, तो पत्रकार पूछना चाहते हैं। जब ये प्रश्न पूछा कि सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, तो लोगों ने मन में कुछ कुछ बातें सोची कि मोदी जी शायद कहेंगे शिक्षा बड़ा चैलेंज है, या स्वास्थ्य बड़ा चैलेंज है, या इंफ्रास्ट्रक्चर सड़कें बड़ा चैलेंज है, या रोजगार बेरोजगारी ये बड़ा चैलेंज है, या उद्योग बड़ा चैलेंज है, कुछ तो कहेंगे। लेकिन भाइयों बहनों, हमने भी उस दिनों बात सुनी और सुन करके मन को बड़ा अच्छा लगा कि कितना बड़ा एक उद्देश्य इनके मन में है और किस प्रकार की चिंता है। उन्होंने कहा, देखिए मेरे सामने सबसे बड़ा चैलेंज है कि मैं अपनी बिरादरी का मतलब उनकी जाति बिरादरी नहीं, उनका खानदान नहीं, बिरादरी मतलब जो राजनीतिक नेताओं की बिरादरी है, मैं इनकी छवि को ठीक करना चाहता हूं, इनकी छवि बिगड़ी हुई है। कुछ समय पहले जब अच्छे लोगों को यह कहा जाता था कि तुम राजनीति में चले जाओ, हाथ जोड़ के निकल जाते थे कि नहीं भाई, अच्छे आदमियों का काम नहीं है। नेता के बारे में जब विचार होता था तो मन में विचार उठता था कि नेता तो अब कुछ भी शब्द उसके साथ लगा देते थे कि नेता तो इतने ही एक अच्छे भाव से नहीं देखते थे, उसको एक छोटी दृष्टि से देखते थे। नेता तो मतलब गलत काम करने वाला आदमी ही नेता होता है। अब इनको ठीक कैसे करना है, मोदी जी ने इसकी शुरुआत की और शुरुआत अपने से की। उनका सबसे पहले हर राजनीतिक नेता को अपना उद्देश्य अपना ध्येय स्पष्ट करना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक बात सब लोग ध्यान कर लें, चाहे नेता है चाहे जनता है चाहे बाकी है, अगर वो इस बात पर खड़े उतर गए तो सबकी छवि बदल जाएगी। और वो बात क्या थी, उन्होंने कहा कि ऐसा सोचें, देश पहले मैं बाद में। ये छोटी बात नहीं कही। अगर पूर्व के लोग, अन्य पार्टियों के लोग, सरकारों के लोग, उनकी सोच देखी जाए तो वो क्या सोचते हैं, मैं पहले देश जाए भाड़ में, ये सोचते हैं। बड़ी सोच प्रधानमंत्री जी ने रखी और उसके अनुसार काम करना शुरू किया। देश की रक्षा ये हमारे लिए सबसे पहली बात है। देश है तो हम सब हैं, देश नहीं तो कुछ भी नहीं है। आखिर इस देश को, इसके निर्माण में, इसकी आजादी में हजारों लाखों लोगों का योगदान है। कितने आंदोलन किए, कितनी शहीदियां हुई, कितने लोगों का इतिहास में नाम आता है जिन्होंने देश को आजाद कराने के लिए 1000 साल की गुलामी को खत्म करके 1947 में देश आजाद कराया था। उस देश की चिंता नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो उस देश की चिंता करने के लिए उन्होंने बड़े बड़े कदम उठाए, चाहे आतंकवादियों को समाप्त करने के लिए बालाकोट के अंदर धराशायी उन कैंपों को किया जो आतंकवादियों के कैंप थे, वहां बमबारी की, देश और दुनिया को एक संदेश दिया कि हम आतंकवाद को सहन नहीं करेंगे। कश्मीर को भारत के साथ जोड़ना था, ये जो 370 का नासूर ये जो बना हुआ है, इसको खत्म करना, निष्प्रभावी करना, ये नरेंद्र मोदी अमित शाह जी के अलावा कोई नहीं कर सकता था, कोई नहीं कर सकता था। ये देश के प्रति मन में लगाव था। हमारे कांग्रेस के बाकी पार्टियों के लोग इस देश को कुछ नहीं समझते। हम जब अपना भाषण शुरू करते हैं, कोई भी बात शुरू करते हैं, अपनी मां को याद करते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उस समय, तो माता की जय। अब ये भारत माता की जय बोलते हैं, इन लोगों के मनों में भारत माता की जय बैठती ही नहीं है। अभी पिछले दिनों में एक वायरल हुआ वीडियो, उस वीडियो में कांग्रेस के एक प्रत्याशी ने कहा, गुड़गांव का प्रत्याशी था, मैंने एक दिन पहले कह दिया भाई भारत माता की जय, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, हम लोग इसके लिए अपना सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार हैं।
वो क्या कहता है, कहता है कि गुड़गांव में भारत माता की जय नहीं चलेगी, यहां तो चलेगी तो सोनिया माता की जय चलेगी। ये इस प्रकार का बोलने वाले लोग, उनको यही पता नहीं कि देश के बराबर आप अपने नेता को खड़ा कर रहे हैं। नेता ठीक है, नेता के प्रति मान सम्मान रखो, लेकिन वो देश के बराबर नहीं हो सकता। देश हमारे से बहुत बड़ी चीज है। तो इसलिए भाइयों बहनों, सोच में अंतर। फिर दूसरा उन्होंने चैलेंज लिया कि इस देश को भ्रष्टाचार ये खाए चले जा रहा है, जड़ों में पहुंच गया है, खोखला कर रहा है, एक प्रकार का कैंसर बना हुआ है ये जो भ्रष्टाचार है। इस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए भी एक छोटी लाइन उन्होंने बोली। उन्होंने कहा न खाऊंगा, और आगे क्या बोला, न खाने दूंगा। हम लोगों ने हरियाणा में एक कदम और बढ़ाया, हमने कहा न खाएंगे न खाने देंगे, गलत ढंग से जो खाया हुआ है हम उसको भी निकालेंगे, उसको भी नहीं छोड़ेंगे।